हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग राशि एंड साची क्रिएशंस। अब तक हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में जाना और आज हम बात करेंगे सन के बारे में। इतना तेज चमकता है आसमान में कि दिन में तो देख भी नहीं सकते। पेड़ पौधे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसी की वजह से उगते हैं और एनिमल्स भी इसी से एनर्जी लेते हैं। हमें भी ऊर्जा इसी से ही मिलती है। पूरी दुनिया इसी की वजह से चल रही है। सन है तो लाइफ है, सन नहीं होता तो हम में से कोई नहीं होता। पर ऐसा क्या है सन में जो वो ऐसा कर पा रहा है? आइए सन के बारे में जानते हैं। ऐसा अनुमान है कि हमारा सन लगभग 460 करोड़ साल पहले बना था। हमने कहा हमारा सन, मतलब और भी कोई सन है क्या स्पेस में? हाँ, आप आसमान में जितने भी स्टार्स देखते हैं वो सभी सन ही तो है अपने अपने सोलार सिस्टम के। कुछ हमारे सन से छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े हैं। अब तक साइंटिस्ट ने जितने भी स्टार्स खोजे हैं उनमें से सबसे बड़ा स्टार है UY Scuti। इसकी साइज कितनी है ये सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। पहले तो अपना सन ही बहुत गजब बड़ा है हमारी अर्थ के मुकाबले। हमारा सन इतना बड़ा है कि लगभग 13 लाख पृथ्वी मिला दो तब जाके हमारे सन जितनी साइज होगी। अब बात करते हैं UY Scuti की। इतना बड़ा कि लगभग 490 करोड़ बार सन को मिला दो तब जाकर एक UY Scuti बनेगा। सोचिए वो तारा कितना विशालकाय होगा। पर ये तो सिर्फ उनकी बात हो रही है जिनको इंसान अब तक खोज पाया है। पर यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है, क्या पता इससे भी बड़े स्टार्स हो। अब बात करते हैं हमारे सन के बारे में। ये आसमान में तेज चमकता हुआ सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसके सरफेस पर टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। इंसान अपनी आज की टेक्नोलॉजी से तो वहाँ पर जा ही नहीं सकता क्योंकि इतने टेम्परेचर में कोई इंसान बचेगा ही नहीं, क्योंकि 4000 डिग्री सेल्सियस पर तो डायमंड भी पिघल जाता है। लेकिन 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर स्पेस प्रॉब 2025 तक सन के सबसे नजदीक पहुंचने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। लेकिन फिर भी वो सन से 61 लाख किलोमीटर दूर होगा। जब सन के बाहर इतना टेम्परेचर है तो सोचिए सन के अंदर कितना टेम्परेचर होगा। सन के कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री तक जा सकता है। सन से बहुत सारी रेडिएशंस निकलती है जैसे लाइट रेस, रेडियो वेव्स, एक्स रेस, इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशंस। इन रेडिएशंस की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी सिर्फ एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पार कर देती है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि अर्थ सन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसलिए सन से निकलने वाली रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचते 8 मिनट लगा देती है। जैसे हमें लाइफ देने वाला हमारा सन है, ऐसे तो यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ सन है। तो सवाल ये है कि अब तक कहीं और लाइफ क्यों नहीं मिली, कोई और स्टार लाइफ क्यों नहीं दे पाया? क्या सच में कहीं भी और लाइफ नहीं है या हम अभी तक खोज नहीं पाए किसी और को? कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ तो और बहुत सारी जगह है यूनिवर्स में लेकिन वो हमारी नजरों के सामने होने के बाद भी हमें दिख नहीं रहे? इस रहस्यमय ब्रह्मांड के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। तो आज हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन सीरीज खत्म होती है। अब बहुत जल्द मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय।